अब आ रहा होगा हम्म डन है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग है डन है सॉर्टेड है है ना चलिए <coughs> प्रणाम सर जी खुश रहें मस्त रहें

उभय मतलब क्या होता है दोस्तों उभय मतलब होता है दो उभय का मतलब होता है दो चर मतलब क्या सर स्थान पर रहने वाले तो दो स्थान पर रहने वालों को क्या कहा जाएगा उभय चर कहा जाएगा एम्फीबियंस एम्फी मतलब दो बायो मतलब बायोस मतलब स्थान तो जल और स्थल पर रहने वाले को सर एम्फीबियंस कहा जाएगा याद रखोगे सर रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स के बारे में एक बात कही जाती है कि सबसे पुराना सर वर्ग रेप्टाइल्स ही है याद रखोगे क्योंकि आपको पता होगा कि देखो दोस्त जो आपके वो थे ना डायनासोर्स थे वो क्या थे वो भी रेप्टाइल्स थे याद रखोगे और रेप्टाइल्स की खास बात क्या होती है कि इनका हर्ट तीन चैंबर का होता है मेरे दोस्त याद रखोगे कि रेप्टाइल्स की खास होती है कि इनका हार्ट कितने चैम्बर का होता है तो इनका हार्ट तीन चैम्बर का होता है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या तो इनके शरीर का ताप बाहर के ताप से परिवर्तित तो होता रहता है याद रखोगे सर क्या तो इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड कहा जाएगा यह ओबी पैरस होते हैं ओबी पैरस इन मतलब क्या सर तो ओबी पैरस का मतलब क्या तो यह अंडे को जन्म देते हैं याद रखोगे दोस्तों किसको जन्म देते हैं तो यह अंडे को जन्म देते हैं यह ओवी पैरस होते हैं इस बात को आप याद रखोगे ठीक है ओवी पैरस सर देखो एक मगरमच्छ है जो कि सबसे पुराना रेप्टाइल है और इसके हार्ट का सर कितना काम्बर होगा चार चंबर होगा याद रखोगे सभी के सभी सो द आंसर विल बी सर सो द आंसर विल बी फ्रॉग 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 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा याद रखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिपलो नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिप्लो सर देखो ट्रिप्लो कौन सा नहीं है बताओ दोस्त की सर क्या दो सर सर देखो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कैसे ट्रिपलोब्लास्टिक नहीं है जिसकी स्किन जो होती है कुछ इसकी जो स्किन है वो क्या है सर वो बायलेटर uh, मास्टर क्या जिसकी स्किन डिप्लोब्लास्टिक है सर देखो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिपलोब्लास्टिक सर ट्रिप्लो का मतलब तुम समझ गए होगे सर तीन तीन और ब्लास्टिक मतलब क्या होता है सर स्तरीय तो तीन स्तरीय त्वचा वाला जीव कौन सा नहीं है त्रिस्तरीय त्वचा वाला जीव इसमें से कौन सा नहीं है एस्करिस नहीं है प्लेनेरिया नहीं है केचुआ नहीं है या जेली फिश नहीं है जरा मुझे बताओ बढ़िया मुर्गे की तरह एग देते हैं शायद <coughs> बानो बेटा

सर ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या मतलब देखो जो त्वचा होती है जो मानव की या सॉरी, जो ये जीव होते हैं जीवों की त्वचा देखो जो त्वचा होती है एक्टोडम 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 मतलब क्या बाहर की जो त्वचा फिर क्या होगा मध्य त्वचा जिसे कहेंगे मैजोडम जिसे आप कहेंगे मैजोडम और सबसे अंदर आ जाएगा सर क्या द तो? एंडोडम द एंडोडम ये क्या है सर तो ये तीन तोशा है याद रखोगे और जेलीफिश जो कि सिलेंट्रेटा संघ से बिलोंग करता है किससे बिलोंग करता है सर याद रखोगे जो कि आपका सिलेंट्रेटा 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 फ्लंट्रेटा जिसे आप निडेरिया भी कहते हो जिसे आप निडेरिया भी कहते हो इस संघ से बिलोंग करता है कौन जो जेली फिश होता है और याद रखोगे यह साथ ही साथ और क्या है तो यह साथ ही साथ रेडियल सिमेट्री भी है रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या दोस्त कि अगर इनको काटा जाए तो कैसे कटेंगे तो यह इस तरीके से इस तरीके से और इस तरीके से ये है ना

तो लत है, है? हाँ ये क्वेश्चन में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है निम्नखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है हाँ बिल्कुल ये सवाल होगा सर देखो निमटोडा अंग्रेजी में ये गलत है क्या ही है यार क्या ही कहा जाए पूरा नशे में है नशे में है पूरा वो पूरा नशे में है बताता हूं उसको क्या ही बोलूँ मैं उसको बता अंग्रेजी में गलत है अंग्रेजी में गलत है याद में क्या हो जाएगा? दोस्त देखो, जो ऑर्थोपोडा है, है यह सबसे बड़ा संघ है इट इज द बिगेस्ट फाइलम बिगेस्ट फाइलम याद रखोगे ऑर्थोपोडा के अंदर तीन पैर वाले चार पैर वाले पांच पैर वाले आते हैं सौ पैर वाले हजार पैर वाले लाख पैर वाले भी आते हैं सुनो सर देखो जो तीन पैर वाले तीन पैर वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें कहते हैं हम इंसेक्ट उन्हें हम कहते हैं इंसेक्ट और उन्हें हिंदी में कहा जाएगा कीट वर्ग। बहुत फेमस सा वर्ग है वर्ग, और कीट वर्ग की खास बात क्या होती होती है कि इनके तीन जोड़ी पैर होते हैं चार जोड़ी पैर वालों कहते हैं क्वाड्रिपेड पांच पैर जोड़ी वालों को पेंटिपेड कहते हैं याद रखो कि जिनके सर क्या हजार पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर उन्हें कहते हैं जिनके सौ पैर होते हैं उन्हें कहते हैं सेंटीपेड और जिनके मिलियंस लाखों पैर हैं उन्हें मिलीपेड्स कहते हैं याद रखोगे और ये सारे ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं ऑर्थो मतलब क्या होता सर ऑर्थो मतलब होता है सर क्या जोड़ जोड़ और पूरा मतलब क्या हो सर पोड़ा मतलब पैर तो जिनके पैर क्या होते हैं देखो जिनके पैर जोड़े में होते हैं उन्हें ऑर्थोपोड़ा तो कहा जाएगा याद रखोगे इसके अंदर टिड्डा तितली आपके क्या नाम है सर तो इसके अंदर कॉकरोच आ जाएगा आपका आ जाएगा ये सारे इसके अंदर आएंगे याद रखोगे निमटोडा क्या है सर निमटोडा याद रखोगे निमटोडा किसे कहते हैं सर निमोडा याद रखो सर किसे कहते हैं तो जो आपका प्लेटी हेलमेंथीस होता है प्लेटी हेलमेंथीस को निमटोडा कहते हैं पोरीफेरा आपको पता ही स्पंज हो जाएगा

की तो सर क्या हो जाएगा द प्लांट क्या हो जाएगी बढ़िया है दोस्त बहुत बढ़िया कि क्या होगा सर सबसे पहले क्या होगा डिवीजन 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 सबसे पहले सर किंगडम होना चाहिए लेकिन किंगडम ऑप्शन में है ही नहीं तो डिवीजन हो गया डिवीजन के बाद क्या क्लास 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 ठीक है सर को क्लास आ, आ जाएगा फिर क्या आ जाएगा सर तो डिवीजन क्लास और फिर आपका फैमिली आ जाएगा फिर क्या आ जाएगा सर फिर याद रखोगे फिर आपका क्लास नहीं डिवीजन क्लास ग्रुप क्लान लिनेज स्पेसिस हो गया सर बताइए आप सभी को बताएं सर देखो क्या होता है सर देखो जो टेक्सोनॉमी की हाईआरकी होती है आप सभी जानते हो क्या होता है सर देखो आप सभी जानते हो कि सर देखो के पी सी ऑफ जी एस द केपीसी ऑफ जीएस एस द किंगडम फाइलम क्लास और क्लास को ही सर क्या कहा जाएगा क्लास को ही हम कहेंगे ऑर्डर क्लास को ही हम कहेंगे ऑर्डर ऑर्डर ठीक है नहीं क्लास को ही हम कहेंगे एक मिनट शिट सॉरी देखो द क्या होता है? सर के इसका होता है अब इसके अकॉर्डिंग बिठाएंगे हम सर क्या फाइलम ठीक है डिविजन ही फाइलम फाइलम के बाद क्लास है क्लास है क्लास के बाद ऑर्डर ऑर्डर कहीं है ऑर्डर नहीं है ऑर्डर नहीं है ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसिस याद रखोगे ऑर्डर ऑर्डर के लिए हम किसका कर देंगे ग्रुप का ग्रुप का सर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बहुत जीनस स्पेसिस आपके सर क्या होते हैं तो ये आपके इसके सिक्वेंस होते हैं याद रखोगे जिसमें सबसे बड़ा किंगडम होगा फिर फाइलम होगा फिर क्लास होगा फिर ऑर्डर होगा फिर फैमिली होगा फिर जीनस होगा और सबसे छोटा क्या हो जाएगा स्पेसिस हो जाएगा याद रखोगे नेक्स्ट आ जाओ में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है इसमें सर क्या कुछ ऐसे जीव हैं जो सर क्या जो एक समूह से बिलोंग करते हैं और कोई एक ऐसा जीव है जो उस समूह से भिन्न है बताओ तो सर कि कौन सा ऐसा जीव है जो समूह से संबंधित नहीं होगा बढ़िया है बेहतर है <coughs> बढ़िया <coughs> बेहतर सोनी पाठक सच में क्या हो गया और मुकेश कुमार अनुपाध्याय दो सौ दो हजार पकड़ाया है क्या हो गया क्या हो गया दोस्त कौन कहां पकड़ाया है है क्या ही चल रहा है कमेंट बॉक्स में मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ राजनंदनी बानो बिटिया बानो इकतालीस लोग चीटिंग में पकड़ा गया था नहीं हो पता नहीं है पता नहीं होगा क्या कहा चीटिंग हुआ है जी देखो क्या कह रहा है दोस्त समझना में से कौन सा समूह सर क्या कौन सा समूह से संबंधित नहीं है सर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बिलोंग टू द ग्रुप याद रखोगे देखो जो लोमड़ी है लोमड़ी लोमड़ी क्या है सर याद रखोगे यह समूह से संबंधित नहीं है याद रखोगे क्यों क्योंकि बकरी भी क्या है सर शाकाहारी है बकरी भी क्या है दो शाकाहारी है और याद रखोगे जो सिटी गोट जो बरबरी है बरबरी उसे सिटी गोट कहते हैं जेबरा भी क्या होगा सर देखो जो जेबरा है जेबरा भी आपका क्या होता है शाकाहारी होता है शाकाहारी होता है ठीक है और वहीं पर घोड़ा घोड़ा भी शाकाहारी होगा लेकिन जो लोमड़ी है लोमड़ी मांसाहारी होती है इसलिए याद रखोगे लोमड़ी अलग है वैसे ये सारे के सारे क्या है मैमल्स हैं ये सारे के सारे क्या है सर ये सारे के सारे मैमल्स है, हैं स्तनधारी हैं है ना ये सारे के सारे मैमल्स होते हैं ये सारे सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों स्तनधारी होते हैं याद रखोगे क्या होते हैं स्तनधारी होते हैं इस बात को आप याद रखोगे नेक्स्ट आ जाओ कि वर्ग से संबंधित नहीं है सर एनपीडा नहीं सर एनिडा

फॉक्स को ही सीआर कहते हैं क्या एन कुमारी क्लास में नहीं आती बेटा अब तू क्लास क्लास में नहीं आती बहुत कमाती है हाँ तो अमेरिका पूरी खाने जातीस तो एन लीडा याद रखोगे कौन द एस्करिश याद रखोगे देखो तो जो एस्करिस है वो क्या सर वो एन लीडा संघ से बिलोंग नहीं करेगा किससे करेगा महाराज तो महाराज याद रखोगे यह आपका याद रखोगे किससे बिलोंग करेगा तो यह आपका एसके हेलमेंथीस से एसके हेलमेंथीज एसके हेलमेंथीज से बिलोंग करेगा और याद रखोगे इसमें देखो तो इसमें जो फीमेल्स होती हैं इसमें जो महिलाएं होती हैं जो सर क्या जो फीमेल होती हैं वो क्या सर वो मेल से लंबी होती हैं और एसके हेलमेंथीज को क्या कहा है? सर याद रखोगे जो आपका एसके हेलमेंथीज है एसके हेलमेंथीज को राउंड कहते हैं क्या कहते हैं महाराज तो महाराज याद रखोगे इसे ही राउंड वर्म कहा जाएगा इसे ही गोल क्रीमी कहा जाएगा क्या कहा जाएगा महाराज तो इसे ही गोल क्रीमी कहा जाएगा इसे ही राउंड वर्म कहा जाएगा और यह आपके स्टमक में पाया जाता है याद रखोगे जबकि केंचुआ द फेरेटिमा पोस्टिमा लीच नैरिसनेरिया ये क्या है सर यह आपके एनिडा वर्ग से संबंधित है बाकी सारे सर क्या संबंधित जैसे जो एस्केरिस है वो नहीं होगा में से इसमें से क्या समूह से संबंधित नहीं है बताओ सर इसमें से वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है च्यूटी कैटरफिलर लॉकस्ट या कहते हैं ना है ना है गुड इवनिंग सर अंकिता गुड इवनिंग रियांश कैसी हो बेटा बढ़िया टेक्निकल विकास राणा स्वागत है विकास राणा अकबर आलमगीर स्वागत है अकबर आलमगीर आपका भी सभी मेरे सर क्या सभी मेरे चुन्नू मुन्नुओं का इस बेहतरीन सी धाकड़ सी क्लास में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस्तेकबाल है याद रखोगे सभी का इस्तेकबाल है है ना और अभी तक जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है जुड़ जाओगे विवेक सर सर क्या साइंस विवेक सर साइंस विवेक सर साइंस

से बिलोंग करते हैं और, और के अंदर किससे बिलोंग बिलोंग करते करते हैं हैं तो याद रखोगे में या भी, भी यह इंसेक्ट से हैं याद मुझे पता है तुम मुझे ही देख रहे हो और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें सोच रहा हूँ मुझे पता है कि तुम मुझे ही देख रहे हो और तुम्हें पता है तुम्हें पता है कि मुझे देखो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ही सोच रहा हूँ और मुझे भी पता है कि तुम मुझे ही देख रहे हो लेकिन हाँ ना तुम इस बात को जाहिर करोगे ना हम इस बात को जाहिर करेंगे सर क्लास में चिंटी आ गई कहाँ से आ गई जी भगाओ विटेकर द्वारा प्रतिपादित फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है बताओ सर कि आ, देखो क्या कह रहा है सर याद रखोगे कि विटेकर द्वारा प्रतिपादित पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं था फंगाई द प्रोटिस्टा द प्रोटोजोआ द एनिमलिया बताइए सर कौन सा नहीं है बताइए बताइए सर बढ़िया विक्रमशिला में केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स से शुरुआत करते गुरुजी देखो विक्रमशिला इज फॉर द बिगनर्स संजीत मेरे दोस्त याद रखना कि विक्रमशिला किसके लिए है जो बैगनर हैं उनके लिए है मैं फिजिक्स से शुरू कर देता हूँ मुझे कोई इशू नहीं है लेकिन आप याद रखना कि एक बेगनर को कभी भी फिजिक्स से नहीं शुरू करना चाहिए और वो एकदम डिटेल में डेप्थ में चल रहा है वो प्योर बीपीएससी क्लास है याद रखोगे आपकी फ्री क्लास देखो जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता है आपकी फ्री में यूट्यूब पे मैं बीपीएससी पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी पढ़ाया जा रहा है और पूरी बीपीएससी मैं पढ़ा रहा हूँ सर साइंस हिस्ट्री पढ़ा रही मैम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं अभिषेक मिश्रा सर और पूरा फ्री एकदम बेसिक से डिटेल में, क्लासिफिकेशन में, में से कौन सा समूह शामिल नहीं है याद रखो दोस्त कौन समूह शामिल नहीं है याद रखो दोस्त देखो जो एनिमे ओ सॉरी व्हाट 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 कह रहा हूं याद रखो सर क्या देखो द प्रोटोजोआ नहीं शामिल है याद रखो किसमें तो याद रखो सर क्या जो आपका आ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है याद रखो दोस्त द एमपी पुलिस का फॉर्म आया ट्रिक होती है द एमपी पुलिस का फॉर्म आया एम से मोनेरा पी से प्रोटिस्टा पी से प्लांटी एफ से फंगाई ए से एनिमलिया मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी फंगाई और एनिमलिया ये पांच आपके सर क्या

सर का ध्यान किधर है स्टूडेंट्स इधर है स्टूडेंट्स बोका है स्टूडेंट्स क्या ही कहा जाए अकबर निशु, अनुपाध्याय तुम सब पे मेरा सब पे मेरा ध्यान ध्यान है है, है दोस्त, सब सब ना? तुम सब मेरे दिल के बहुत करीब हो तुम सब पे ध्यान रहता है हमेशा देखो दोस्त क्या कह रहा है थोड़ा तेज बोलिए <coughs> बेटा कह रहा है सर थोड़ा तेज बोली <coughs> <coughs> रही है सर थोड़ा तेज बोलिए तो चलिए सर तेज बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखो कि सर किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन में कार्बनिक विकास द एवोल्यूशन के बारे में बात की थी वह कौन से साहब थे याद रखोगे द चार्ल्स डार्विन एक साहब तो पुस्तक का नाम था आ, सर देखो जो चार्ल्स डार्विन जिनको सर क्या जो जिन्होंने एक थ्योरी दी थी किसकी एवोल्यूशन की कौन सी थ्योरी दी थी दोस्तों याद रखोगे इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसकी सर देखो उस थ्योरी का नाम था एवोल्यूशन विकासवाद का विकासवाद का विकासवाद का जो सिद्धांत था वो किसका था वो चार्ल्स डॉर्विन का था याद रखोगे और इन्होंने सर क्या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में कहा था एंस्ट हैकल ने क्या किया सर तो एंस्ट हैकल ने सर तीन देखो तीन किंगडम क्लासिफिकेशन किया था किसने द एंस्ट हैकल ने याद रखोगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है सर देखो ऑल क्वाडिटा ऑल काडिटा में, में आ, सर क्या आ, कौन सा स्टेटमेंट गलत है मुझे मिल गया तुम बताओ मैं मेरुदंड होता है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं कोलोमेट होते हैं मैं पृष्ठीय तंत्र का नाल होती है सर वह कौन सा इसमें से जो कथन है जो बिल्कुल एब्सोल्यूटली रॉन्ग है कि सभी जो कॉर्डेटा होते हैं जो सभी रज्जुकी हैं वो क्या होते हैं जरा मुझे बताओ बढ़िया बढ़िया आ जाओ राज बढ़िया देखो देखो दोस्त क्या कह रहे हैं सर देखो यार कहाँ हो सारे शेयर वेयर करो यार ये कहाँ इतनी कम जनसंख्या क्या ही कर रही है क्लास में क्या मचा दो एकदम शेयर वेयर कर दो चारों तरफ है ना फटाफट जाओ सारे बताओ ये, 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 ये ऐसे, 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 ऐसे चलेगा बताओ अभी भी ग्रुप में ऐसे चौंतीस लड़का लड़की हैं जो मतलब क्या ही कहा जाए तो हेलो सर बिग फैन बैंकिंग सोडा <laughs>

दूसरा क्या होता है दोस्त दूसरा होता है एम्फीबियंस तीसरा होता है सर क्या रेप्टाइल्स तीसरा क्या होता है तीसरा होता है रेप्टाइल्स चौथा क्या होता है मैमल्स 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 और पांचवा क्या होता है पांचवा होता है एबिस एबिस ये क्या है सर ये पांचों आपके कॉर्डेटा हैं और इन सबकी स्किन कैसी होगी तो इन सबकी जो स्किन होगी वो कैसी होगी दोस्तों वह होगी तीन लेयर वाली कैसी होगी तो यह थ्री लेयर्ड होगी या तीन परतों में बटी हुई होगी हो और ये क्या होते हैं ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक याद रखोगे इट इज वॉट दोस्तों इट इज अ ब्लास्टिक एनिमल याद रखोगे इस बात को सारे के सारे कि विटैगर के वर्गीकरण के अनुसार द दिटैकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाएगा वर्गीकरण किया जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता किस समूह में सर कवक में प्लांटी में प्रोटेस्टा में या मोनेरा में वो कौन सा ऐसा संघ है जिसमें पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाएगा वो प्रोटेस्ट होंगे वो प्लांट होंगे वो फंगाई होंगे या वो मोनेरा होंगे जरा मुझे बताओ बढ़िया सर टेलीग्राम से कैसे जुड़ूं?

कौनतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाएगा अच्छा तुम सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है एक अनाउंसमेंट अच्छा ये बताओ कि एक ऐसे अनाउंसमेंट कर दूं तुम्हें दिल खुश हो जाए बताओ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है बताओ एक अनाउंसमेंट कर दूं बोलो एक आप सभी के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है ही जाए महाराज रचदा डी गुरु जी प्रणाम शिवानी राम रतन कविता वॉट सर, सर अकबर प्लीज सर अच्छा तुम लोग का यस बानो चलो देखो वो बच्चे देखो बिहार में आपको पता है सर को बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब क्लास करते हैं बट वो पेड फीस नहीं दे सकते हैं पक्की बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या सर जो, जो पेड़ क्लास नहीं कर पाएंगे है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पेड़ क्लास नहीं कर पाएंगे और आपको पता है कि बिहार सीजीएल के नाम पर आपको कहा जाएगा सर क्या कि ये क्रैश कोर्स ले लो क्रैश कोर्स प्रो ले लो क्रैश कोर्स प्रो मैक्स ले लो क्रैश कोर्स अल्ट्रा ले लो क्रैश क्रैश कोर्स फ्लिप ले लो क्रैश कोर्स फोल्ड ले लो है ना मैं भी कह रहा हूं क्रैश कोर्स ले लो लेकिन कैसा फ्री फ्री आपका टेक्स बुक जो, है, जो आपका टेस्ट बुक है आप सभी के लिए अगले पढ़ाएगा हर एक टीचर हर एक टीचर एक देखो आपको एक नवंबर से आपके बाहुबली सर आ जाएंगे है ना एक नवंबर से बाहुबली सर आ ही रहे हैं तो वो अपना कराएंगे ही करंट अफेयर का बाकी मैं साइंस करा रहा हूं छे बजे

चलिए आप सभी के लिए फ्री होगा फ्री फ्री जीरो रुपए यूट्यूब पर यूट्यूब पर आपको फ्री में तीस दिन के अंदर पूरा सिलेबस पूरा कराया जाएगा मैं भी साइंस एक दिन एक चैप्टर थोड़ा सा मेरी स्पीड तेज होगी स्पीड तेज होगी लेकिन हाँ अभी आज तारीख कितनी है आज तारीख सर गई आपकी सोलह मतलब सत्रह हो गई सत्रह

अ थ्री चेंबर हार्ट होगा इस बात को आप याद रखो थ्री चैम्बर हार्ट होगा प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए बताइए सर कौन सा है सर देखो जो प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम बताइए सर बताइए देखो पहला तो ऐसे चला गया है ना पहला चला गया सर देखो यहां ट्रिक लिख देना कि के पी सी ऑफ जीएस ठीक है देखो यूनियन फाइलम फेडरेशन ये सारी बात एक है क्योंकि संग 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 हिंदी में लिखा है दूसरा पी से क्या हो जाएगा सर पी फाइलम सी से क्लास 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 सब में ठीक है वर्ग, वर्ग, वर्ग। सर ये यहां चला गया। क्या है सर ऑर्डर ओ ओ ऑर्डर ऑर्डर को फैमिली कहा जाएगा फैमिली 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 ऑर्डर 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 कुल ऑर्डर और फिर क्या फैमिली सर यह हो गया ये हो गया ना सर देखो आपका हो गया संघ वर्ग गण कुल वंश और प्रजाति वंश और प्रजाति प्रजाति सर क्या ये हो जाएगा आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर थर्ड संघ वर्ग कुल संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है बढ़िया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आ जाओ लेकिन एमसीक्यू बस रात देखो जगराता जगराता क्या कर दिया देखो अभी फिर से मैं बहुत बड़ा चेंज ला रहा हूं आप सभी के लिए मैं तुम लोगों के लिए इतना सोचता हूँ ना दोस्त इतना सोचता हूँ कि मतलब

आ, एक ही चैप्टर चैप्टरवाइज वाई क्यू जाएगा ठीक है दस से ग्यारह मिक्स प्लस ग्यारह साढ़े ग्यारह पी वाई क्यू मिक्स क्वेश्चन वाइज शाम को छह बजे क्रैश कोर्स और सर क्या बीपीएससी चल ही रहा है तो देखो कितना कर रहा हूं तुम लोगों के लिए डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों में किण्वन करने वाला जीवाणु कौन है द बैक्टीरिया दैट फर्मेंट दैट फर्मेंट मिल्क एंड प्लांट प्रोडक्ट ऑफ डेयरी इज बताओ सर वो कौन सा होगा दैट इज सर क्या द लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस सर क्या करता है ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है मिल्क और प्लांट प्रोडक्ट ऑफ डेयरी वो होगा लैक्टोबैसिलस याद रखोगे है ना बढ़िया बढ़िया और सब फ्री होगा एक चवन्नी आपसे नहीं मांग, मांगूंगा ठीक है नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक थे बताओ सर नामकरण की द्विनाम के प्रस्तावक थे इवन मैं भी नहीं मेरी टीम भी मेरे इस को बहुत प्रेस कर रही है और ये कब हुआ जब उस दिन 170 बच्चे या बच्चे बच्चे मेरे क्लास में लाइव थे तो मैंने कहा कि सर ये एक हजार आएंगे इनको आप प्यार इनको बस प्यार चाहिए तो मैं बस वही है कि नामकरण की दिनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे हिगो डिवरेज कार्ल कैरलोस लिनियस बेंथम और हुकर विलियम हार्वे नामकरण की द्विनाम पद्धति के सर प्रस्तावक कौन थे कौन से वो साहब थे जिन्होंने बाइनोमियल नॉमन की शुरुआत की थी है ना बढ़िया लोल साइंस में क्रैश कोर्स ला रहे हैं क्रैश कोर्स प्रो ला रहे हैं है, है ना चलिए तो कोड लगाए वाई तीन सौ छियासी और पाए मैक्सिमम डिस्काउंट नामकरण के की पद्धति के प्रस्तावक कौन थे लेनियस। याद रखो सर क्या था दैरस सर क्या नामकरण के पद्धति के प्रस्तावक थे और इन्होंने सर बताया था सर क्या तो इन्होंने बाइनोमियल नॉमल क्लेचर के बारे में बताया सर किसने दैरुलस लीनियस नाम के साहब ने और कहा कि सर देखो कि जो पहला नाम होगा वो क्या होगा सर को जो द्विनाम था जो पहला नाम होगा वो जीनस का होगा जो दूसरा नाम होगा स्पेसिस का होगा जैसे आप होमोसेपियंस पढ़ते हो ना महाराज महाराज आप होमोसेपियंस पढ़ते हो ना तो होमोसेपियंस में पहला नाम सर क्या हो जाएगा जीनस का और दूसरा हो जाएगा स्पेसिस का याद रखोगे है ना नेक्स्ट आ जाओ कि की, निम, कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है इंसेक्ट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग बताया सर कि देखो जो कीट है निम्नलिखित में से किससे सर क्या बताओ सर कि सर किससे संबंधित है द इंसेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कीट किस में सर को कीट किससे संबंधित बताइए सर है ना बढ़िया कि की, कीट किससे संबंधित होंगे देखो दोस्त तो तो जो कीट होते हैं कीट किससे संबंधित होते हैं याद रखोगे जो कीट है मेरे महाराज वह ऑर्थोपोडा से संबंधित है सर देखो जो कीट होंगे, कीट होंगे किससे संबंधित होंगे सर कीट जो होंगे यह ऑर्थोपोडा से संबंधित होंगे इस बात को आप याद रखोगे यह या किससे संबंधित है तो यह आपके ऑर्थोपोड़ा से कीट संबंधित और कीटों के कितने पैर होते हैं तो कीटों के याद रखोगे दोस्त कितने पैर होते हैं तो तीन जोड़ी पैर होते हैं कितने पैर होते हैं दोस्तों याद रखो जो कीट है कीटों के कितने पैर होते हैं तीन जोड़ी पैर होते हैं किसके कीटों के और यह ऑर्थोपोड़ा संघ से बिलोंग करते हैं जो इंसेक्ट होते हैं याद रखोगे हमेशा 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 सर वो पौरी फेरा एक ऐसा जीव है जो सर कभी भी गति नहीं करता ये जहां जन्म लेगा वहां इसकी मृत्यु हो जाएगी और गोल्डफस नाम के साहब ने इसका नाम दिया था और ये कभी भी गति नहीं करता इसका एग्जाम्पल स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सर प्राय किस किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है बताओ तो सर कि किस जीव को याद किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है बताओ सर सक, बढ़िया 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 बताओ सर कि किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाएगा वह कौन सा जीव है सर 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 आप तो जानते को वो होता है द द फेरेटिमा फेरेटिमा पोस्टिमा पोस्टिमा याद रखोगे यह कौन सा जीव है तो फेरेटिमा पोस्टिमा जीव है याद रखोगे जिसे किसान का बहुत अच्छा मित्र कहा जाता है याद रखोगे क्योंकि यहाँ ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन की फॉर्मेशन कर देगा और नाइट्रोजन एक प्रकार का उर्वरक होता है खाद होता है

की खास बात होती है कि यह रेडियल सिमेट्री होता है इस ग्रुप का एक और जानवर बहुत फेमस है सी अर्चिन बहुत फेमस है और साथ ही साथ सर स्टारफिश तारा मछली तारा मछली और समुद्री अर्चिन एक कैइनोडरमेटा संघ का बहुत, बहुत 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 फेमस है याद रखोगे इस बात को सारे के सारे चिंटी के कुल कितने पैर होते हैं बताइए सर कि चींटी के कुल कितने पैर होते हैं हाउ मेनी लेग्स डज एंट डज एंट

तीन जोड़ी पैर मकड़ी और बिच्छू ऑर्थोपोडा के अंदर भी होते हुए भी सर क्या इंसेक्ट में नहीं आते क्योंकि इनके चार जोड़ी पैर होते हैं याद रखोगे इस बात को सारे के सारे हमेशा हमेशा ऑनकोलॉजी किसका अध्ययन है है बताओ सर कि किसका अध्ययन जरा मुझे बताओ बताओ सर की कि ऑनकोलॉजी किसका अध्ययन है पक्षियों का है कैंसर का है स्तन प्राणी का है या भूमि का है जरा मुझे बताओ सर ऑनकोलॉजी कि किसका अध्ययन है सर ऑनकोलॉजी याद रखोगे यह कैंसर का अध्ययन है कैंसर के

के कीड़े के पीपा से रेशम के कीड़े के अंडे से देखो आप सभी जानते हो कि रेशम के रेशम के कीड़े के लार्वा को ही प्यूपा कहते हैं सर देखो ये दोनों ऑप्शन सही होगा आप किसके अकॉर्डिंग जाओगे आप जाओगे रेशम के कीड़े के लार्वा से जिसे ही क्या कहते हैं प्यूपा कहते हैं याद रखोगे कि रेशम का कीड़ा पाया जाएगा तो यह सहतूत की पत्तियों पर अजी महाराज किसकी पत्तियों पर तो यह सहतूत की पत्तियों पर पाया जाएगा और पूरा जीवन रेशम का निर्माण करता है और फिर मर जाता है रेशम के कीड़े का पालन क्या कहा जाएगा तो महाराज याद रखोगे कि रेशम के कीड़े का पालन क्या कहा जाएगा सर सेरी कल्चर कहा जाएगा क्या कहा जाएगा सर सेरी कल्चर कहा जाएगा रेशम के कीड़े का पालन याद रखोगे सर रजत मछली क्या होती है रजत मिनाभ द सिल्वर फिश इज वॉट बताइए सर रजत मिनाभ क्या होता है निडेरिया होता है मछली होता है क्रस्टेशियन होता है या कीट होता है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ रजत क्या होता है पुष्पा आलमगीर प्रमोद सहतूत आनंद शर्मा द विवेक राज विवेक राज बड़ा दिन बाद हो महाराज ओहो आप सुन चार नहीं देखे ओहो एक कमेंट कीजिए राधा रानी बिटिया स्वागत है बिटिया आपका मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत बहुत स्वागत है है ना सर मैंने डड्डा पे क्रैश कोर्स ले लिया कोई बात नहीं का ही करोगे हम तो फ्री में पढ़ाने वाले हैं सभी का याद रखोगे कि आप सभी क्या क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है और वह आपको फ्री में मिलेगा सर देखो जितने भी बच्चे हैं बिहार से बिहार से जितने बच्चे हैं उन सभी को सर क्या, क्या फ्री में क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है एक महीने के अंदर पूरी बैच फिनिश कर दी जाएगी थ्यूरी एम सब कराया जाएगा आपको सर को रजत मछली है सर क्या होती है सर याद रखोगे यह एक प्रकार की कीट होती है यह एक प्रकार की इंसेक्ट होती है क्या होती है महाराज याद रखोगे यह एक प्रकार का कीट होता है यह एक प्रकार का इंसेक्ट होता है दोस्तों याद रखोगे जो आपकी सिल्वर फिश होती है इस बात को आप सारे याद रखोगे अपने सभी दोस्तों को बता दो कि सर क्या टेक्स बुक बिहार पर सुपर कोचिंग बिहार भाई टेस्ट बुक पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है सर क्या तो आर्की ओराइनस या वस्टर्ड बताओ मेरे दोस्त हाल ही में लुप्त पक्षी क्या है archaeor... uh, बताइए दोस्त की हाल ही में लुप्त पक्षी क्या है बढ़िया शानदार बढ़िया बढ़िया मैं भी न्यू आईडी से आती हूँ कहा मैथ मैथ आपको योगेश सर पढ़ा रहे हैं और याद रखना कि देखो भाई सर का बिहारी स्लैंग नहीं है इस बात को मैं मानता हूं सर बिहारी नहीं है या बिहारी स्लैंग नहीं है लेकिन नॉलेज सर क्या नॉलेज सर के पास बहुत तगड़ी है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर अगर आपको यकीन नहीं तो वो आपको आठ से नौ पढ़ाते हैं आज दस मिनट ही देखना नहीं पसंद आए

क्या नाम है हिस्ट्री और करंट अफेयर विवेक सर पढ़ाएंगे और पॉलिटी इकोनॉमिक्स आपके ये सर पढ़ाने वाले हैं याद रखोगे ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है है याद रखोगे देखो जो इमू 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 ये इमु एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है इमू एक ऐसा पक्षी है याद रखोगे जो उड़ नहीं सकता है वो कौन सा ऐसा पक्षी है वो है इमू याद रखोगे इस बात को सारे के सारे हमेशा हमेशा कि कीटों का मुख्य लक्षण क्या है द मेन सिम्टम्स ऑफ इंसेक्टर बताओ दोस्त कि कीटों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं दो जोड़ी पंख तीन जोड़ी टांगे संयुक्त नेत्र या एक लंबा उदर कि की कीटों का मुख्य लक्षण क्या होंगे जरा मुझे बताओ बढ़िया 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 योगेश सर का टीचिंग स्टाइल इज ऑसम माइंड ब्लोइंग योगेश सर बहुत अच्छे टीचर हैं योगेश सर अल्टीमेट टीचर हैं आप उनसे पढ़ के देखो मजा नहीं आ गया तो कहना कि की कीटों का मुख्य लक्षण क्या है द मेन सिम्टम ऑफ इंसेक्ट आर याद रखोगे तीन जोड़ी टांगे तीन जोड़ी टांगे होंगी सर क्या एक कीटो के मुख्य लक्षण याद रखोगे हाँ जोसना मैम भी आपके ग्रुप में है जोसना मैम भी आपको पढ़ाएंगे याद रखोगे सर क्या तो कीटो के देखो की मुख्य लक्षण क्या है थ्री पेयर्स ऑफ लेग याद रखोगे जोसना मैम बिहार जी के और स्टैटिक जी के लिए होंगी

नॉमन क्लेचर के बारे में बताया था किसके बारे में द बाइनोमियल नॉमन क्लेचर के बारे में, में किसने बताया था तो याद कैरोलस लीनियस नाम के साहब ने बताया था और इन्होंने ही कहा था सर क्या तो इनको ही क्या कहते हैं इनको ही फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं कि क्लासिफिकेशन का जनक किसका जनक तो वर्गीकरण का जनक क्लासिफिकेशन का फादर किसे कहते हैं दोस्त याद रखोगे क्लासिफिकेशन का फादर आपके कैरोलस लिनियस को कहते हैं डार्विन डार्विन एवोल्यूशन के जनक हैं मेंडल सर क्या जेनेटिक्स के फादर हैं और लॉर्ड मेयर सर देखो जो मेयर नाम के साहब थे इन्होंने सर क्या तो इन्होंने भी सर कुछ किया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मेयर का भी नाम फेमस है याद रखोगे किस तंतुधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है हाँ उन्होंने प्लांट के बारे में सर खोज की थी याद रखोगे द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल इज मैमल का सर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर क्या होगा तंतुप टूपथ है ग्रास विन्यास है चार को हृदय है या अत्यंत विकसित मस्तिष्क है बताओ सर कि फोर चेंबर हर्ट, वो तापी होते उनका ब्रेन अधिक डेवलप होता है उनके पास स्तन ग्रंथियां होती है स्तनधारियों को सबसे अलग बनाता है क्या तो उनके त्वचा पर पाए जाने वाले रोए और उनके अंदर स्तन स्तन ग्रंथियों

मर जाएगी साफ पानी की मछली खारे पानी में डालने पर मर जाएगी तो मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है तो इन सभी अंगों से सर क्या मछली वर्ग की पहचान हो जाएगी क्लास पीसेस की पहचान हो जाएगी सबसे सर को सबसे धीमी चलने वाली मछली सर कौन होती है सर याद रखोगे हिप्पो कैंपस जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं याद रखोगे सर मच्छर खाने वाली मछली कौन सी होती है गेम्बूसिया होती है सर करंट पैदा करने वाली मछली कौन सी होती है टोर्पीडो और इल होती है सर याद रखोगे वहीं पर सर क्या तो वहीं पर याद रखोगे सर क्या की जो शार्क है शार्क एक मछली है जिसे डॉग फिश कुत्ता मछली के नाम से जानते हैं याद रखोगे डॉग फिश के नाम से जानते हैं और डॉग फिश में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती ये भी याद रखोगे वेल एक स्तनधारी है क्यों बताओ सर क्यों है? वेल एक स्तनधारी है क्यों एक जोड़ी फेफड़े हैं एक जोड़ी है, वक्ष सबसे बड़ा वेल होता है ब्लू वेल होती है और इसका हट चार चंबर का होता है इसलिए सर क्यों क्योंकि यह स्तनधारी है याद रखोगे स्तनधारियों और पक्षियों का हट चार चंबर का होता है इस बात को आप याद रखोगे हमेशा 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 और कोई सर ना लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो बताओ बताओ देखो दोस्त लाइक भी सर एकदम नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को और शेयर वेयर कुछ नहीं पचासी पे पचासी पे फ्रीज हो ये बस क्या क्वेश्चन को लाइक कर दो शेयर कर दो दोस्त फटाफट -पट लाइक मारो लाइक को सर क्या लाइक और लाइव के रेशियो को बराबर करो ये नहीं कि लाइक नहीं किया और खुद भाग गए नहीं दोस्त ऐसा नहीं करेंगे नेक्स्ट आ जाओ कि उड़न मछली द फ्लाइंग फिश एग्जोसिस्ट है एमिया है समुद्री घोड़ा है या एपी पेंसर है बताओ सर वह कौन सी मछली है जो उड़ सकती है बताओ सर उड़ने वाली मछली कौन सी है सर माय डियर स्टूडेंट सर को भी बुला लीजिए पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है दोस्त वरना मैं तो कोशिश किया लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि माई डियर स्टूडेंट जो है आ, आ, कुछ ऐसा है कि माई डियर स्टूडेंट जैसे अब यहां नहीं बता सकता नहीं आ सकते वो उड़न मछली क्या है सर याद रखोगे देखो जो उड़न मछली है उसे एग्जोसिट्स कहते हैं याद रखोगे उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं याद रखोगे देखो जो उड़न मछली है वो क्या है सर वो है याद रखोगे सर देखो समुद्री घोड़ा सी हॉर्स याद रखोगे सर देखो जो सी हॉर्स है सी हॉर्स किसे कहा जाएगा दोस्त तो सी हॉर्स याद रखोगे या क्या सर तो देखो जो सी हॉर्स होता है देखो जो समुद्री घोड़ा होता है यह विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है मेरे दोस्त मेरी एक बात याद रखना यह विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली होती है सी हॉर्स जिसे कहते हैं इसे हिप्पो कहते हैं इस बात को आप याद रखना कि जीव विज्ञान के जनक कौन है हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी सर बताओ सर बायोलॉजी सर को बायोलॉजी के फादर कौन है बताओ सर कि बायोलॉजी के फादर कौन है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ दोस्त की बायोलॉजी के फादर कौन है बहुत ही शानदार 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 कौन है बायोलॉजी के फादर बताओ सर <laughs> <laughs> बताओ सर तो सर क्या होगा ए ए ए आसान है राहुल कुमार शर्मा राहुल शर्मा ओहो बताओ सर कि जीव विज्ञान कौन है सर अरस्तु है अरस्तु अरस्तु किसके हैं सर देखो जीव विज्ञान के हैं ये क्या है सर ये जीव के साथ साथ याद रखोगे ये जंतु के भी हैं सर देखो बायोलॉजी के साथ साथ ये जूलॉजी के भी हैं गलटन की सिटी याद रखोगे जो गाल्टन की सिटी है किसको किसको बनाती है तो गाल्टन की सिटी पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करती है याद रखोगे जो गाल्टन की सिटी होती है ये पराश्रव्य तरंग ये, ये सुपर सोनिक वेब्स को उत्पन्न करती है देखो जो जे जे मंडल है ये क्या है सर ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है याद रखोगे सर क्या है याद रखोगे फादर ऑफ

शर्मा को सर बड़े ध्यान से देखते हैं अब तुम्हें पता ही है हम क्यों ही ध्यान से देखते हैं है ना रशीदा बेटा तुम्हें पता ही है कि अगर हमारी आंखों के सामने से अगर शर्बा नाम निकल गया फिर तो हम एक आंख से भी देख लेंगे आ, बैंकिंग सोडा कह रहे हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी बैंकिंग सोडा सर हैं बिल्कुल बिल्कुल दोस्त बिकॉज आई एम शर्मा अच्छा हाँ ये कह रहा हूँ कि आज एस अमित कुमार नहीं आए स्वागत है सर देखो निम्नलिखित में से बीमेल कौन सर याद रखोगे जावा क्लाइंट्स दोस्त याद रखोगे देखो जो जावा क्लाइंट्स है याद रखोगे ये क्या है सर यह बीमेल है जबकि वॉर्म्सन वॉर्स और वायरस ये क्या इट्स अ टाइप ऑफ वायरस लेकिन जावा क्लाइंट्स क्या है इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा याद रखोगे ठीक है नेक्स्ट आ जाओ सर जबड़े नहीं होते हैं किसमें जो जॉ डू नॉट एनोनिमस भी आए हैं क्या anonymous सर जबड़े नहीं होते हैं बताओ दोस्त जबड़े नहीं होते हैं वैसे anonymous की टाइपिंग मुझे कुछ-कुछ जानी -कुछ पहचानी लग रही है यस सर मुझे क्या सबको पता है अच्छा महाकाल भक्त है मैं भी बैंकिंग सोडा पता नहीं सर शेयर किए हूँ? ए सर की राधा यार मुझे भी जनता यहाँ, मुझे कोई भी यहाँ, कोई जनता यहां। हाँ देखो सर क्या सर कि जबड़े आ, नहीं होते हैं सर किसमें नहीं होते जबड़े याद रखोगे जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं याद रखो दोस्त देखो जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं याद रखोगे इनमें सर क्या तो इनके अंदर जबड़े नहीं होते हैं याद रखोगे है ना बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड इनके में जबड़े नहीं पाए जाते है ना चलो आ जाओ कि एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तु को देख सकती है कोई चींटी है वो चारों ओर कैसे देख सकती है बताओ सर कि एक चींटी चारों ओर कैसे देख सकती हेलो गाय सालू राज अच्छा जी बढ़िया निकी राय नमस्कार सर बड़ा जल्दी आ गई बेटिया है ना बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते देखो दोस्त क्या कह रहा है कि एक चींटी किसके अस्तित्व कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है सर को जो उनके आंखों में सर क्या देखो जो कंबाइंड आईज होती हैं याद रखो दोस्त देखो जो कंबाइंड आईज होती हैं याद रखोगे दोस्त कि क्या वह एक चींटी है जो अपने सर क्या कंबाइंड आइज के अस्तित्व की वजह से वो चारों ओर देख सकती है इस बात को आप सारे याद रखोगे है ना सर किसी को ढूंढ रहे हैं हाँ आज ढूंढ रहा हूँ मेरा कमेंट्स पढ़िए सर निशु ठीक है सर क्या अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाला जंतुओं का फर उनके किस काम आता है देखो सर देखो जो अधिक अधिक ठंडे क्षेत्रों में जो जंतु होते हैं उनका फर किस काम में आएगा जो उनकी बॉडी पे फर पाए जाते हैं वो किस काम में आएंगे उनकी जल से रक्षा करता है वायु को फंसा उन्हें गर्म करता है शत्रुओं से उनकी रक्षा अच्छा करता है या फर कारण वह सुंदर दिखाई देते हैं सर देखो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों वाले जीवों को किसकी आवश्यकता होगी गर्मी की आवश्यकता होगी तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बना दिए सर देखो क्या होता है देखो जो रोए होते हैं वो क्या करते हैं वो उषमा की रोधी

रखोगे सर हमें ढूंढ ले सीधा ढूंढ लिया बेटा ढूंढ लिया है ना

भवरी का सर क्या होता है? भ्रिंगक होता है सर मैगोट्स किसका होता है Magots होता है सर किसका तो ये मक्खी का होता है मक्खी का किसका होता है तो कॉकरोच के लार्वा को सर क्या कहते हैं तो कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं इस बात को आप याद रखोगे कि कॉकरोच के लार्वा को कहा जाएगा निम्फ कहा जाएगा याद रखोगे सी फॉर क्रैश कोर्स तो बढ़िया 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 नेक्स्ट आ जाओ कि बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्त जरा मुझे बताओ कि बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाएगा बढ़िया बहुत ही शानदार शानदार बेहतर है बेहतरीन है निकी। मुझे उम्मीद है कि आज आज तो कमेंट आने वाला है है ना बहुत बढ़िया

में, समुद्री में में या ट्यूब ट्यूब सर पाया पाया जाएगा जाएगा आसान सवाल है बना देना किसके अंदर पाया जाएगा? बताओ दोस्त जयशंकर नरेश अकबर करने वाला के, और आपका इसी वीक फ्री क्रैश कोर्स वेडनस डे से लॉन्च हो जाएगा वेडनस डे से आपका याद रखोगे बढ़िया बढ़िया नरेशानशु बानो बढ़िया 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 बढ़िया

रखोगे डॉल्फिन द डॉल्फिन हैव जरा मुझे बताओ सर कि डॉल्फिन क्या है द डॉल्फिन हैव बताओ मेरे दोस्त बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया मुझे भी पढ़ना है फ्री में सब कुछ फ्री होगा फ्री होगा हर एक क्लास आपकी फ्री हो जाएगी याद रखोगे है ना बढ़िया है शानदार है बेहतर है बेहतरीन है देखो दोस्त क्या कह रहा है कि डॉल्फिन क्या है सर याद रखोगे डॉल्फिन एक प्रकार है, मैमल है, मैमल है। की स्तन जीव है सारे याद रखोगे जिन जंतुओं की स्पष्ट पाचक गोहिका होती है उन्हें किसके अंदर रखा जाएगा बताओ सर की जिन जीवों की स्पष्ट स्पष्ट सर क्या पाचक हो, होगा बताइए सर बताइए क्या कह रहा है सर बताइए सर कि सर जिन जीवों की स्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंदर रखा जाएगा, या जाएगा। किसके अंदर रखा जाएगा याद रखो सर उन्हें मेटाजोआ के अंदर रखा जाएगा जिनमें सर क्या सस्पष्ट पाचक गोहिका होगी याद रखोगे मानव जातियों के वर्गीकरण के निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं करते हैं बताओ सर बताओ सर कि मानव जाति ह्यूमन रेसेस जो ह्यूमन रेसेस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है और किस कसौटी का प्रयोग नहीं करोगे बढ़िया सर चंदन बाबा और डीके सर को भी बुला लीजिए जनवरी में आएंगे वो लोग जनवरी में जनवरी में है ना कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कटौती का प्रयोग नहीं किया जाता याद रखोगे सर कान का कान का प्रयोग नहीं करते हैं याद रखोगे सर कान का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों कान का प्रयोग नहीं होता क्योंकि कान हमारे सर क्या है एक्स सर क्या ये वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं कान सर के ये जो हिस्सा है ये क्या होगा सर तो यह आपका बहुत कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा इस बात को आप याद रखोगे है ना बढ़िया सर कंप्यूटर क्लास कब होगा कंप्यूटर क्लास देखो आपका मंडे को होगा वर्नसडे को होगा और सर क्या आपका फ्राइडे को होगा सुबह ग्यारह से बारह क्लास होती है जैसे आज आपकी क्लास हुई थी सर क्या कंप्यूटर कंप्यूटर की computer की क्लास मंडे और सारे बच्चे सर क्या तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप विवेक सर साइंस में जुड़ जाना और सभी के लिए कुछ ना कुछ खास है और आपके सर क्रैश कोर्स बिल्कुल बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट याद रखोगे ठीक है बढ़िया है बेहतर है

आपको कहाँ जाना है आपको सुपर कोचिंग वाले कॉलम में जाना है और यहां पर आप तैयारी करोगे इसकी सर सिविल कोर्ट की देखो जो सिविल कोर्ट है बिहार सिविल कोर्ट आपको इसकी तैयारी करनी है और देखो जो सिविल कोर्ट है याद रखोगे सर क्या सिविल कोर्ट जो है सर क्या आप इस तैयारी करोगे जहाँ पे आपको रिचा शर्मा मैम गुरु रहमान बैंकर्स पॉइंट प्लेटफॉर्म क्लासेस ये सारे आपको टीचर्स मिल जाएंगे याद रखोगे निम्बस लर्निंग ये सारे टीचर होंगे मेरा साइंस स्पेशल आपको दिख जाएगा रीजनिंग आपको निम्बस लर्निंग हिंदी बाई नि लर्निंग इंग्लिश कौस, आपके कौस्तु सर पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर और सर देखो जितने भी सुपर टीचर्स होंगे आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सब कुछ मिलने वाला है बिहार के चारों एग्जाम्स मात्र देखो सर कितने रुपये में तो याद रखोगे दोस्त अगर मैं बात करूँ तो आप यहां पे अगर परचेस करने जाते हो तो देखो सर क्या होगा यहाँ पे तो आपको क्या अप्लाई कूपन करना है कूपन कोड में आपको एंटर करना है क्या दोस्त तो यहाँ पे आप एंटर करोगे विवेक के विवेक के को इस्तेमाल करोगे और आपको ये पांच सौ चार रुपए में छह महीने की आपकी पूरी सब्सक्रिप्शन होगी जहां पे आपको चारों एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक सब्सक्रिप्शन के अंदर कराया जाएगा और साथ ही साथ टेक्स बुक का पास भी है इससे सस्ती बैच नहीं हो सकती आज ही जाओ परचेस करो टिल देन गॉड ब्लेस यू जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू